कांगालिनी मुखर्जी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मशहूर एक्ट्रेस है, जिन्होंने तेलुगु के साथ साथ मलयालम, तमिल, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी सक्सेसफुल फिल्में दे चुकी है और जिन्होंने कई सारे टीवी एड जैसे कि ब्रिटानिया, नील कमल फर्नीचर, पैराशूट, फेयर एंड लवली और हिंदुस्तान लीवर साइश इन सभी में मॉडल के रोल में नजर आई है। तो दोस्तों आज मैं कामालिनी मुखर्जी के बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो कामालिनी के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं, फिर मिलेंगे। ये 2004 का हिंदी ड्रामा फिल्म है और इसमें अभिषेक बच्चन, शिल्पा शेट्टी और कामालिनी मुखर्जी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर टू, आनंद। ये 2004 का तेलुगु ड्रामा फिल्म है और इसमें राजा कामालिनी मुखर्जी लीड रोल में है। इसमें यंग लड़की रूपा अपनी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट पे खो देती है और इसके बाद काफी स्ट्रगल करके अकेले ही लाइफ लीड करना स्टार्ट करती है और दूसरी तरफ एक अमीर लड़का उसके दिल जीतने के लिए कैसे उसके नेवर बन जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म ने नंदी अवार्ड जीता है और इसका IMDb मिला 7.8 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 1 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 12 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 3, स्टाइल। ये 2006 का तेलुगु म्यूजिकल डांस फिल्म है और इसमें प्रभु देवा, राघव लॉरेंस और कमलिनी लीड रोल में है। इसमें एक टैलेंटेड डांसर गणेशा के अपोजिट ग्रुप ने उसके टांग को तोड़ देता है और फिर वो कैसे इसका रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.9 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 4, वेट्टायदु विलैयदु। ये 2006 का नियोनार एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें कमल हसन और जयतिका और कमालिनी लीड रोल में है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर एक सीरियस ब्रूटल रेप और मर्डर केस का कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.9 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 25 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 60 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 5, गोदावरी। ये 2006 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें सुमंत और कमालिनी लीड रोल में है। इसमें गोदावरी नदी के साथ जुड़कर एक प्यार कहानी को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.8 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 3 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 9 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 6, क्लासमेट्स। ये 2007 का तेलुगु ड्रामा फिल्म है और इसमें सुमंत, रवि वर्मा और सर्वानंद की लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.3 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 7, पेल्लाई दी कानी। ये 2007 का तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें अल्लरी नरेश, कमालिनी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 8, जमयम। ये 2008 का तेलुगु रोड ड्रामा फिल्म है और इसमें सर्वानंद, अल्लरी नरेश और कमालिनी लीड रोल में है और इसमें अभिराम और जानकी के बीच में प्यार को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.3 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 3 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 8 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों अगर आप सर्वानंद की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर 9, ब्रह्मानंदम ड्रामा कंपनी। ये 2008 का तेलुगु फिल्म है और इसमें शिवाजी, रवि कृष्णन और कमालिनी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 10, कदल ना सुम्मा इलाई। ये 2009 का तमिल रोड ड्रामा फिल्म है और इसमें सर्वानंद, रवि कृष्णा और कमालिनी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 11, गोपी गोपिका गोदावरी। ये 2009 का तेलुगु फिल्म है और इसमें कमालिनी वेणु लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.1 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 12, सावरी। ये 2009 का कन्नड़ रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें राघव मुखर्जी और कमालिनी मुखर्जी लीड रोल में है। इसमें एक अमीर लड़का अभिराम एक डॉक्टर जानकी से प्यार करता है पर जानकी ने गरीब लोगों का इलाज करती है और ये अभी का पसंद नहीं है और इसलिए वो उसके प्रोफेशन को कैसे चेंज करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.6 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 13, पुलिस पुलिस। ये 2010 का तेलुगु बर्थडे कॉप फिल्म है और इसमें श्रीराम, पृथ्वीराज और कमालिनी लीड रोल में है। इसमें इंस्पेक्टर रानाधीर कैसे करप्ट रविकांत के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 7 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 24 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 14, कुत्ती श्रंक। ये 2010 का मलयालम आर्ट हाउस फिल्म है और इसमें मम्मूटी लीड रोल में है। इसमें निकट की सीपोर्ट में एक अज्ञात बॉडी मिलता है
और कुछ महिलाओं ने इस बॉडी को 30 रंग के है वो कैसे पहचानते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 15 नागावल्ली। ये 2010 का कॉमेडी हॉरर फिल्म है और इसमें वेंकटेश अनुष्का शेट्टी और कमालिनी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 16 विरोधी। ये 2011 का तेलुगु फिल्म है और इसमें श्रीकांत और कमालिनी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 17 अपराजिता तुमी। ये 2012 का बंगाली ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रसन्नजीत चटर्जी कमालिनी मुखर्जी लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.2/10 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 18 सिद्धिसाई। ये 2012 का तेलुगु बायोग्राफिकल फिल्म है और इसमें अक्केनेनी नागार्जुन लीड रोल में है। इसमें 19th और 20th सेंचुरी का स्पिरिचुअल गुरु साई बाबा का लाइफ स्टोरी को दिखाई गई है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.7/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 19 नाथुली और चेरिया मीनाल्ला। ये 2013 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें फहद फैसल और कमालिनी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 20 गोविंद दुदु अंदरी वेदेले। ये 2014 का तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें रामचरण श्रीकांत काजल अग्रवाल और कमालिनी लीड रोल में है। इसमें अभिराम इंडिया वापस आते हैं और वो खुद की परिचय अपनी दादा से छुपा कर कैसे फैमिली के हर एक लोगों के साथ खुशी से रहने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.7/10 और इसका हिंदी डब है ये वादू नाम से जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका रिजल्ट था 30 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 71 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 21 इराइवी। ये 2016 का ड्रामा फिल्म है और इसमें विजय सेतुपति बॉबी सिम्हा और कमालिनी लीड रोल में है। इसमें तीन महिला इंडिपेंडेंट हो जाती है जब इन तीनों का हस्बैंड को क्राइम से जुड़ा कर जेल में डाल दिया जाता है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 22 पुली मुरुगन। ये 2016 का मलयालम एक्शन फिल्म है और इसमें कॉमेडी एक्टर मोहनलाल कमालिनी मुखर्जी और जगपति बाबू लीड रोल में है। इसमें मुरुगन अपने विशेषज्ञता के साथ पुलियों के ग्रामीणों को घातक बाघ के हमलों से बचाता है। हालांकि एक इल्लीगल ड्रग डीलर ने कैसे उसके मासूमियत की फायदा उठाते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.8/10 और फिल्म मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सेकेंड ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रहा और इसका बजट था 25 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 102 करोड़ और वर्ल्ड कलेक्शन रहा 152 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इंडस्ट्री हिट यानी कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों ये रहा कमालिनी मुखर्जी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आईएसएस के बारे में। तो देखा जाए तो उनका लास्ट रिलीज था 2016 में पुली मुरुगन और इसके बाद उन्होंने कोई फिल्में नहीं की है। तो इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर के बेल आइकन पर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।